नमस्ते दोस्तों, अगर आप सिटी में रहते हो और हर दिन आप पर ट्रैवलिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कोई भी जगह खड़े हो तो कोई भी वाहन के आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल से सिर्फ उसको बुकिंग करो, कोई भी वाहन टू व्हील या फोर व्हील या तो ऑटो को बुकिंग करो और 2-3 मिनट के अंदर ही आपकी वहाँ यहाँ आ जाएगा। और उसका रेट भी आम रेट से थोड़ा सस्ता पड़ता है, क्योंकि लीगल रेट होता है, आपके पास से कोई भी ज़्यादा रेट वसूल भी नहीं कर सकता। तो हम आज बात करने वाले हैं ओला में बुकिंग कैसे करें, और बुकिंग करने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत, कैंसिल करने की दिक्कत पड़ गई तो वो कैंसिल कैसे करें, ये दोनों हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओला में बुक करने के लिए आपको ओला ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ओला ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ लिखना है ओला। ओला लिखोगे और चार्ज करोगे तो यहाँ आपको इस तरह यहाँ ओला लिखना है, और उसके बाद यहाँ चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ओला सेव करके है, तो उसको हमें डाउनलोड करना है। लेकिन मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर, मतलब कि यहाँ क्लिक करके आपको फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपका कोई भी एक नंबर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी नंबर जाएगा जो ऑटो वेरिफिकेशन हो जाएगा। इस तरह ऑटो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको कोई भी आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ आपको कोई भी जो भी नाम लिखना है, नेम लिखना है, आपका नेम भी लिख सकते हो या तो कोई उपनेम भी लिख सकते हो। तो यहाँ कोई भी एक नाम लिख दीजिए और यहाँ रजिस्टर ऊपर क्लिक कर लीजिए। रजिस्टर ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका लोकेशन यूज़ करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ अलाउड कर लीजिए। और यहाँ वेल यूजिंग द ऐप, मतलब कि जब भी हम ऐप यूज़ करें तब आप लोकेशन यूज़ कर सकते हो हमारा, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ अलाउड कर देना है हमें। अलाउड करने के बाद अगर एडवांस आपको पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो, वरना आपको यहाँ स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ से स्किप करके आगे बढ़ूँगा, और उसके बाद यहाँ आपके मोबाइल में इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आपको कहीं भी जाना नहीं है, यहाँ चार्ज डेस्टिनेशन करके है, मतलब कि आपको कहाँ जाना है तो उसी पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ पिकअप लोकेशन जो है, मतलब कि आपका जो पिकअप, आप जहाँ खड़े हैं वो लोकेशन तो ऑलरेडी वहाँ है, लेकिन यहाँ रेड कलर की जो है लाइनिंग, उसके नीचे यहाँ आपको जहाँ जाना है उस इस डेस्टिनेशन, मतलब कि उस जगह का नाम लिखना है। तो आप, मैं यहाँ कोई भी एक नाम यहाँ लिख देता हूँ। नेम लिखने के बाद यहाँ आपको नीचे चर्च पर क्लिक कर लेना है। चर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको फोर व्हील बुकिंग करनी है या तो टू व्हील बुकिंग करनी है, ऑटो बुक करनी है, ये सभी यहाँ आ जाएगी। और यहाँ कितनी मिनट में आप तक यहाँ पहुँच सकते हैं तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और इसका रेंट कितना है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से कोई भी एक आप बुक कर सकते हो, जिस पर आपको बुक करना है उस पर हमें क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ बुक एनी पर क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ ऑटो बुक करना है तो ऑटो पर क्लिक करूँगा, और यहाँ बुक ऑटो पर क्लिक करना है हमें। बुक ऑटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ कंफर्म लोकेशन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका जीपीएस जो है, मतलब ओके करोगे तभी ये एक क्लिक होगा। तो यहाँ कंफर्म लोकेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर ही यहाँ आप देख सकते हो कनेक्टिंग ड्राइव नियरली, मतलब कि आपके आजू बाजू में जो भी मतलब ऑटो होगी तो वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ इस तरह कनेक्ट हो गई है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ आप ड्राइवर की फ़ोटो देख सकते हो, ऑटो देख सकते हो, और यहाँ आपका ऑटो नंबर जो है वो भी यहाँ आ गया है। और यहाँ कॉल भी आप कर सकते हो या तो मैसेज कर सकते हो। अब यहाँ थोड़ी ही देर में यहाँ गाड़ी आ जाएगी, लेकिन यहाँ कैंसिल कैसे करें, अगर कैंसिल करनी है तो यहाँ कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ कोई भी एक रीज़न देना है, और यहाँ कैंसिल राइड पर क्लिक करना है, तो यहाँ बुकिंग कैंसिलेट हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी ऑटो हो या तो टू व्हील हो, यहाँ अगर आप बुकिंग भी कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, और यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर करना, और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।